हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे सप्ताह के सातों दिन। सप्ताह के सातों दिन आपको धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आप मंडे को फ्री नहीं है तो चलो ट्यूसडे को फ्री है तो ट्यूसडे को क्या कर लेना चाहिए। या सपोज आप सिर्फ संडे को फ्री हैं तो संडे को ऐसा कौन सा तांत्रिक क्रिया कर लेना चाहिए या मंत्र पढ़ लेना चाहिए जिससे कि धन की मतलब आवागमन जो हो अच्छे तरीके से चालू हो जाए। देखिए धन की जरूरत हर किसी को होती है और जीवन में धन एक महत्वपूर्ण वस्तु है जो आपके जीवन को आसान बनाकर आपकी समस्याओं के निराकरण में आपका सहयोग करती है। इसके विपरीत यदि आपके पास धन नहीं है या धन की कमी है तो यह अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो आप दिन वाइज अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम पकड़ते हैं संडे का दिन, क्योंकि ज्यादातर लोग संडे को फ्री रहते हैं। किसी भी सप्ताह के रविवार को एक गिलास दूध का तांत्रिक उपाय कीजिए तो आपकी पैसों से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यह तांत्रिक उपाय करने के लिए आपको रविवार की रात सोते समय एक गिलास में दूध भरकर अपने सिर के पास रखकर सोना है। दूध सावधानी से रखें, नींद में दूध गिरना नहीं चाहिए। सुबह उठने के बाद नित्य कर्मों से पहले निवृत्त हो जाइए। इसके बाद इस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। ऐसा हर रविवार की रात करें। यह एक तांत्रिक उपाय है और इससे आपके ऊपर लगी बुरी नजर दूर होगी, नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म होगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, पैसों की कमी दूर हो जाएगी। अब आता है सोमवार। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं और ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है तो किसी भी सोमवार को उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उपाय के अनुसार सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो जाए तो उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दीजिए। चांदी की कीलें छोटी छोटी भी लगाई जा सकती है। यह एक चमत्कारी तांत्रिक उपाय है और इससे आपके घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पैसों की समस्या ऑटोमेटिक दूर होने लगती है। सोमवार को माला माल होने के लिए कच्चे दूध का एक अन्य उपाय करें। हर सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठिए। उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। इसके बाद आपके घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। यदि ऐसा हर सोमवार को किया जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और ये बहुत ही सरल और चमत्कारिक उपाय है। सोमवार को आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे दूध हो गया, शक्कर हो गया, सफेद वस्त्र हो गए। इन सब चीजों का भी यदि आप दान करते हैं तो आपका जो मनोरथ है वो पूरा होगा। फिर है मंगलवार। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के कारण परेशान है और कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो फिर ये तांत्रिक उपाय कीजिए। ऋण की किश्तों का भुगतान मंगलवार के दिन ही करें। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुधवार और गुरुवार को किसी को ऋण के रूप में नहीं देना चाहिए। मंगलवार का दिन ऋण की किश्तें चुकाने के लिए श्रेष्ठ है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो कर्जा आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर है बुधवार। बुधवार का तांत्रिक उपाय हम आपको बताने चल रहे हैं। बुधवार के दिन 7 साबुत कौड़ियां ले। कौड़ियां बाजार में पूजन सामग्री की दुकानों पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही एक मुट्ठी हरे खड़े मूंग ले लीजिए। अब दोनों के हरे कपड़े में बांध लें और किसी मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप रखाएं। ध्यान रखें इस बात को किसी को बताएं नहीं, अन्यथा उपाय जो है निष्फल हो जाएगा। फिर है गुरुवार। धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए सप्ताह के हर गुरुवार को आप ये तांत्रिक उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हर गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहनें, खाने में पीले रंग की मिठाई खाएं। इसके साथ ही पीले रंग की वस्तु का दान करें। पीले रंग की वस्तु जैसे कि पीले रंग का कपड़ा हो गया, पीला फल हो गया,
पीले फल में आपका केला और आम आ जाता है, हल्दी आ जाता है। तो इस उपाय से धन की जो कमी है वो आपकी दूर हो जाएगी। धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए हर गुरुवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को आप सुहाग सामग्री भी दान कर सकते हैं। उसके बाद है शनिवार। शनिवार का आपको बताते हैं, शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। किसी पीपल के पेड़ से 11 पत्ते तोड़ लीजिए। ध्यान रखें पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इन 11 पत्तों पर स्वच्छ जल में कुमकुम, अष्टगंध या चंदन मिलाकर श्री राम का नाम लिखिए। नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद श्री राम नाम लिखिए और इन पत्तों की एक माला बनाइए। अब इस माला को हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंगबली को अर्पित कर दीजिए। प्रत्येक शनिवार को इस उपाय को करने से धन की समस्या समाप्त होगी। शुक्रवार का दिन रह गया है, शुक्रवार का दिन बता रहे हैं, पर ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं सिर्फ शुक्रवार को नहीं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि संभव हो तो चांदी के बर्तन में पानी पिएं। चांदी का बर्तन ना हो तो ग्लास में पानी भरें और उसमें चांदी की अंगूठी डालकर पानी पीजिए। यह प्राचीन सरल और बहुत चमत्कारिक तांत्रिक उपाय है। इससे निश्चित ही धन संबंधी मामलों में राहत मिलती है। तो मैंने जितने भी आपको उपाय बताए हैं वो तंत्र शास्त्र के हिसाब से बताए हैं, और ऐसे उपाय चुपचाप बिना किसी को बताए किए जाते हैं तो वो अधिक प्रभावी होते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।